टी20 में दुनिया देखेगी भारत का दम। इन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। वेस्ट इंडीज को वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद अब टीम इंडिया टी20 सीरीज में भी अपना दम दिखाने के इरादे से उतर रही है और कप्तान रोहित शर्मा की बतौर फुल टाइम वाइड बॉल कैप्टन ये पहली टी20 सीरीज है। हालांकि वर्ल्ड कप के ठीक बाद रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भारत की कप्तानी की थी, लेकिन तब वो वनडे के कप्तान नहीं बनाए गए थे। लेकिन अब हिटमैन रोहित शर्मा को वाइड बॉल की पूरी जिम्मेदारी दी जा चुकी है और वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो टीम इंडिया को तैयार करने का प्लान भी बना चुके हैं। युवा खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों के बाहर होने के बाद अब टीम में युवाओं को मौका मिलना तय माना जा रहा है। वहीं भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ियों के लिए टी20 फॉर्मेट में ये आखिरी मौका हो सकता है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करेंगे, वहीं नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर ऋषभ पंत और नंबर 5 पर सूर्य कुमार यादव खेलेंगे। नंबर 6 पर वेंकटेश अय्यर को बतौर ऑलराउंडर मौका मिल सकता है और नंबर 7 पर दीपक चहर होंगे। नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल में से कोई एक खेल सकता है, वहीं नंबर 9 पर युजवेंद्र चहल, नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पर रवि बिश्नोई खेलते हुए दिखाई देंगे। बिश्नोई और वेंकटेश को मिलेगा मौका। इस टी20 सीरीज में पहली बार टीम इंडिया में चुने गए लेग स्पिनर रवि बिश्नोई और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को मौका मिल सकता है। वहीं टीम के पास आवेश खान का भी विकल्प मौजूद है और मोहम्मद सिराज भी लंबे समय के बाद टी20 क्रिकेट में भारत के लिए वापसी करेंगे। वहीं हर्षल पटेल, दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर में से भी कोई दो खिलाड़ी ही इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा के सामने बैटिंग से ज्यादा गेंदबाजी में सिरदर्द खड़ा हो गया है। खासकर वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के ना होने की वजह से उनके पास दो लेग स्पिनर को खिलाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। तो दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की पहली प्लेइंग 11 में आप किसे देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। क्रिकेट सूत्रा को आपने अगर अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन की घंटी को भी जरूर बजाइए। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए बने रहिए क्रिकेट सूत्रा के साथ।